नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे म्याऊ बिल्ले वाला, जिसमें ये हम लोगों ने म्याऊ बिल्ले का पूरा पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पूरा पाठ पढ़ने के बाद इस पाठ के जो सबसे पहले स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखी वो सेम टू सेम हम लोगों ने लिख लिए थे। उसके बाद दूसरा पढ़िए और समझिए वो भी हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पहला प्रश्न कि बरगद का पेड़ कैसा था, तो इसका आंसर लिख लिया था कि बरगद का पेड़ बहुत पुराना एवं घना था। फिर दूसरा कि घर की मालकिन ने बिल्ले को क्या मारा था, तो घर की मालकिन ने बिल्ले को चूल्हे की जलती हुई लकड़ी मारी थी। फिर तीसरा प्रश्न कि म्याऊ बिल्ला कैसे घूमता था, तो म्याऊ बिल्ला हमेशा सीना ताने घूमता था। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न, नन्हा तोता क्या गुनगुनाने लगा, तो नन्हा तोता क्या गुनगुनाने लगा था, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें नहीं है वैर किसी से, हम सच्चे वनवासी। ये चार प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। आगे पांचवा प्रश्न कि मिट्ठू तोते ने म्याऊ बिल्ले के सामने मटकते हुए क्या कहा। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, उसके बाद पांचवा प्रश्न भी लिखा हुआ है कि मिट्ठू तोते ने म्याऊ बिल्ले के सामने मटकते हुए क्या कहा। तो इसका उत्तर आप लोगों को आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है, मिट्ठू तोते ने म्याऊ बिल्ले के सामने, मिट्ठू तोते ने म्याऊ बिल्ले के सामने मटकते हुए कहा बिल्ले अंकल, मुन्नी गौरैया को छोड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। वापस मैं पांचवे का उत्तर बोल रही हूँ, अच्छे से सुन के बच्चों लिखना कि मिट्ठू तोते ने म्याऊ बिल्ले के सामने मटकते हुए कहा, बिल्ले अंकल, मुन्नी गौरैया को छोड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। तो ये तीसरे प्रश्नों के जो उत्तर दीजिए वह अपने पूरा हो गया। उसके बाद किताब में आपने सूचना डाली हुई है आपके स्वाध्याय के, और पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। और इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, चिड़िया के बच्चे कबूतरी दादी को क्या कहकर पुकारते थे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, चिड़ियों के बच्चे कबूतरी दादी को क्या कहकर पुकारते थे, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, चिड़ियों के बच्चे कबूतरी दादी को गुटरगु दादी कहकर पुकारते थे। पहले का आंसर लिखोगे, चिड़ियों के बच्चे कबूतरी दादी को गुटरगु दादी कहकर पुकारते थे। फिर दूसरा प्रश्न, गुटरगु दादी किसे कहानियाँ सुनाती थी। दूसरा प्रश्न, गुटरगु दादी किसे कहानियाँ सुनाती थी, तो इसका आंसर लिखोगे, गुटरगु दादी चिड़िया के बच्चों को प्यारी प्यारी कहानी सुनाती थी। दूसरे ख वाले का आंसर लिखोगे, गुटरगु दादी चिड़िया के बच्चों को प्यारी प्यारी कहानी सुनाती थी। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि दादी ग वाला, कि दादी गुटरगु ने चोरी और झूठ के बारे में बिल्ले से क्या कहा। तो तीसरा ग वाला प्रश्न है, दादी गुटरगु ने चोरी और झूठ के बारे में बिल्ले से क्या कहा, तो ये तीसरे का आंसर लिखोगे, दादी गुटरगु ने बिल्ले से कहा, कभी तो सच बोला कर, चोरी करना और झूठ बोलना दोनों ही बुरी बातें हैं। तीसरे का आंसर लिखोगे, दादी गुटरगु ने बिल्ले से कहा, कभी तो सच बोला कर, चोरी करना और झूठ बोलना दोनों ही बुरी बातें हैं। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है आपके, सभी चिड़ियाँ एक साथ क्या गा उठी। चौथा प्रश्न घ वाला,
कि सभी चिड़िया एक साथ क्या गा उठी। तो क्या गा उठी? हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी है। हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी है। फिर दूसरा, के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखो, मतलब इनके आंसर आपको बड़े बड़े लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न, म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई दुम दबाकर शहर से क्यों भाग आया। पहला प्रश्न है, म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई दुम दबाकर शहर से क्यों भाग आया। तो इसका आंसर लिखोगे, शहर में जो भी उसे देखता उसकी जली हुई पूंछ को देखकर हंसने लगता। शहर में जो भी उसको देखता उसकी जली हुई पूंछ को देखकर हंसने लगता। घबराकर म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई दुम दबाकर शहर से भाग आया। तो कि घबराकर म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई दुम दबाकर शहर से भाग आया। तो ये दूसरे का हम लोगों ने पहला प्रश्न कर लिया है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और आगे आपके जो भी पाठ बाकी है वो हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज मैंने आज की क्लास में आपको जो भी लिखवाया है वो बच्चों आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।